बस 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 ओके परफेक्ट बोलो। अरे मैडम पूछो। बस बहुत खुश हूँ मैं, मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था, बट ये जो मैं जी रहा हूँ ये हर एक आर्टिस्ट का ये सपना होता है और ये मैं सपना जी रहा हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ पर। नेचर का साया कर ले यार, ये भी मेरे पापा यूट्यूबर बन गए हैं, कहते यूट्यूब पे बहुत पैसा तो मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ। बहुत बहुत एक्चुअली मैं बहुत मिस किया मैंने, और मुझे लगा था वो फिनाले पे आएंगी बट वो नहीं आई, और फैमिली को मैंने कम किया तो आज के लिए नहीं, मैंने फैमिली को भी किया बट खान साहब ये था कि फिनाले पे आएंगी बट वो नहीं आई, बट मैं अभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, मेरी कोई बात भी नहीं हुई है, बट मैं ऑब्वियसली उनको मैसेज या कॉल करूंगा और मैं मिलूंगा उनसे। मिलना भी नहीं जा रहा है, बीच में कुछ ऐसे आंसर दो दोगे मुझे यहाँ फंस जाऊंगा। अरे मम्मी कौन है धक्का दे रहे भाई, पापा के आंसर्स का प्लीज सीए हो गया अभिषेक, अगर मुनावर जीते उस पर आपको क्या कहना है, क्योंकि मुझे लगता है मेंटली आपने बहुत अच्छा खेला है और एक्चुअली में वही प्लेयर होता है जो मेंटली और फिजिकली खेलता है, और मुनावर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना पॉलिटिकली और लोमड़ी की चाल चल रहे थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि अगर उसके अलावा कोई और जीतता तो मुझे ज़्यादा दुख होता, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड, मैं उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता था, और वो जीता तो इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट अगर उसके अलावा कोई और जीतता तो शायद बुरा लगता, बट अपने लिए बुरा लग रहा है। पर जब मैं बाहर निकला और आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया जैसे आप अभी भी दिखा रहे हो, तो ऐसे लगता है कि मतलब ट्रॉफी चाहे वो लेके गया कि पर मैं जीत गया हूँ एक्चुअली मैं सबके दिल। वैसे अभिषेक कोई और से आपका मतलब अंकिता लोखंडे तो नहीं है? कोई और जितने भी थे अंकिता जी ने कोई भी मतलब हम दोनों के अलावा कोई भी हो तो थोड़ा सा ज्यादा दुख होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा किसी और ने कुछ ज्यादा इनपुट दिया है। अभिषेक एक ऐसा मोमेंट आया जब आपने थप्पड़ मारा समर्थ को, तो उस वो मोमेंट आपका क्या था, वो उसमें दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि जिस पर आपका हाथ उड़ गया, ये मोमेंट क्या था, सोच के मारा था या कि उठ गया? नहीं सर, मैंने कुछ सोच के नहीं मारा था, वो इतनी ज्यादा पोकिंग कर रहा था और पता नहीं कहाँ किस लेवल पे जा रहा था, और फिर उसने जो टिश्यू मेरे मुंह में डाला तो रिएक्शन कब निकला मुझे समझ नहीं आया, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत बिल्कुल भी प्राउड नहीं हूँ, और हमने वो बिग बॉस के घर में सॉर्ट कर लिया है तो मैं उस चीज़ पे कोई बात भी लेकिन अभिषेक बाहर आके सपोर्ट देखा आपको, जितने भी इंडस्ट्री से सपोर्ट मिले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने इंडस्ट्री से ट्वीट करके आपके सपोर्ट में कहा था कि अभिषेक के साथ गलत हुआ है उस वक्त पे, उस ट्वीट को देखा आपने? मैंने इतने ट्वीट नहीं देखे हैं अभी मेरे को, क्योंकि इतना फोन चलाने का टाइम नहीं दिया है, एक्चुअली मैंने चलाया बट इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाया, ट्वीट्स मैंने ज़्यादा देखे नहीं है क्योंकि मैं लेट आया था, फिर सो गया, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, और मेरे दोस्त जो सब हमेशा सपोर्ट करते रहे मेरी जो और भाई ट्विटर पे थे भी नहीं, इन्होंने ट्विटर बनाया मुझे, अब मैं देखने लगा हूँ अच्छा ये अच्छा, मुझे आज पता चला, कल पता चला था कि वो एक्स वाला ट्विटर का साइन है, मैंने कहा अच्छा ये ट्विटर है तो अभी मैं देखूंगा, और मुझे ये पता चला रितेश सर ने मेरे लिए लिखा था कि क्या लिखा था, इंग्लिश में लिखा था माय हार्ट गोज आउट फॉर अभिषेक, तो क्या मतलब था मेरा दिल निकल के मेरा दिल पसीज गया तो रितेश सर थैंक यू सो मच, और मतलब अच्छा लगता है जब इतने बड़े बड़े नाम आपको जानते हैं कि हाँ यहाँ तक पहुँच गया अभिषेक। वैसे डोंगरी ट्रॉफी पहुंच गई है, वहाँ पे सबको उम्मीद था कि आप भी दिखेंगे मुनव्वर के साथ, बट नजर नहीं आए जरा उस कारण से, लेकिन मुनव्वर ने आपका नाम सबको बोला था अभिषेक। हाँ हमने डिसाइड किया था, पर उसमें हाँ पर हमने डिसाइड तो किया था पर मैं नहीं जा पाया, वो फैमिली और एक नींद और थकान की वजह से, तो इसलिए वो प्लान थोड़ा इधर उधर हो गया, बाकी हमने प्लान किया एक दो दिनों में हम मिलने वाले हैं। तो क्या मुनव्वर पंजाब दिख से मतलब आ सकते हैं आपके साथ? हाँ हम एक जगह जाने वाले हैं गोल्डन टेंपल साथ में, क्योंकि हमने तीन जगह डिसाइड की थी जाना है, तो गोल्डन टेंपल उनमें से एक है, और अमृतसर जाएंगे हम और माथा टेक के आएंगे। थैंक यू सो मच। एक और जिस नहीं 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 आप सबने बिग बॉस की बहुत बात की, आपने अभिषेक भाई गाना देखा, अगर आप सच में फैन हो इनके?
कौन से गाने का नाम बताओ, गाने का नाम बताओ। अरे गाने का नाम मैं अंदर था घर के, और एक मेरा नया गाना रिलीज हुआ था एवोकाडो, जिसमें मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। एक गाना ही इन्होंने सीसी टीम ने सीसी इतना अच्छा किया कि कलर करेक्शन इतनी सुंदर लग रही है, मैं इतना क्लियर दिख रहा हूँ। इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, हमारे भाई ने बहुत अच्छा गाना कोरियोग्राफ किया, इन्होंने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया इनका स्नो रैकेट्स है, ये मैम हमारी आइए प्लीज आइए आदमी का, ये प्रोड्यूसर है, ये हमारी सारी टीम सॉन्ग की, सारे हम सब एवोकाडो सॉन्ग के हैं, और बहुत ही अच्छा गाना है, प्लीज आप लोग देखिएगा। मैं अंदर रहते रहते रिलीज हो गया था, मैं उसको थोड़ा प्रमोट करूंगा, थोड़े से फैंस बन गए हैं ना, पहले नहीं थे। नहीं, फैंस प्यार हमसे मिलता रहा और बहुत अच्छा कर रहा है, आप उस पे जाके कमेंट देंगे 50,000 प्लस, प्लीज जाके एवोकाडो सॉन्ग देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, और उसमें अभिषेक और रिया मेरी को याद है, रिया प्लीज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सीख रहा था इनसे तो, डांस आपने बहुत अच्छा सीख लिया, इन्होंने घर में जाके इतना अच्छा डांस सीख लिया, अच्छा डांस किया, प्लीज आके देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा जी। चलो थैंक यू किशन आओ।